कैसे विक्रांत जो एक आईआईटी खड़गपुर के ग्रेजुएट हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, उन्होंने वो पूरी दुनिया छोड़ के यूट्यूब पे अपनी दुनिया बनाई, जानेंगे इस वीडियो में। यूजली जो मेरे वीडियोस होते हैं यूट्यूब पे, वहां मैं आपसे बात कर रहा होता हूँ। ये वीडियो एक एक्सपेरिमेंट है और प्लीज मुझे बताइएगा कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे काम किया, काम नहीं किया तो क्यों नहीं किया। इस वीडियो में मैं विक्रांत जो एक आईआईटी खड़गपुर के ग्रेजुएट हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर चुके हैं, उनके साथ बात करता हूँ कैसे उन्होंने उस पूरी दुनिया को छोड़कर अपनी एक नई दुनिया बनाई ऑन यूट्यूब। आज वो एक बहुत ही प्रोलिफिक यूट्यूब क्रिएटर हैं, स्टूडेंट्स को फिजिक्स सिखा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरती से सिखाते हैं। और मैंने विक्रांत के साथ एक जूम कॉल पे गुफ्तगू करी जहाँ मैंने उनकी लाइफ हिस्ट्री जानने की कोशिश करी। द एम इज़ कि मैं उनकी कहानी के थ्रू आप सबके लिए इंस्पिरेशन बना पाऊँ। हर एक इंसान की कहानी बहुत यूनिक होती है दोस्तों, और जो इंसान पर्टिकुलरली वो सारी चीज़ें छोड़ देता है जो हम सब चाहते हैं। एक पॉइंट पे मैं आईआईटी जाना चाहता था, बहुत कोशिश करी, कभी नहीं हो पाया। तो एक अरमान था कि कभी आईआईटी जा पाए, कभी पूरा नहीं हुआ। और जिन लोगों को वो मिलता है अपनी मेहनत के थ्रू, जैसे कि विक्रांत को मिला, वो तब भी वो सब को छोड़ कर एक नई दुनिया कैसे बसाते हैं, आसान नहीं था। विक्रांत की स्टोरी से मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला एंड आई एम श्योर आपको भी मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया, ये एक एक्सपेरिमेंट है। अगर आपको ये कॉन्वर्सेशंस अच्छी लगी, आपको ऐसा लगा कि इसके थ्रू आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि मुझे थोड़ी सी प्रोत्साहन मिले कि मैं ऐसे और सीरीज़ बना पाऊँ। आइए विक्रांत के साथ बात शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच विक्रांत फॉर ज्वाइनिंग मी। आपके साथ बात करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फॉर सेवरल रीजंस, बट हियर इज माय वेरी क्विक समरी ऑफ व्हाट आई हैव हर्ड एंड अंडरस्टूड अबाउट यू। आपने आईआईटी जेई क्लियर किया, विच इज अ इमेंसली टफ एग्जामिनेशन टू डू दैट। आप आईआईटी केजीपी गए, विच इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स दिस कंट्री हैज, एंड जो भी आपका वहां एक्सपीरियंस रहा, विच बाय द वे आई वुड लव टू नो मोर अबाउट, you decided at some point of time to give all of that away or maybe consider a completely different profession, which is right now content creation and teaching. aur maine aapke videos dekhe hain youtube pe, main khud ek physics ka student reh chuka hu, so I actually felt a lot of joy in watching your videos, kyunki aisa lag raha tha ki aapko sikhane mein na maza aa raha hai। वो जो हमारा एक इंप्रेशन होता है प्रोफेसर्स का, वो आते हैं बेचारे अपनी जिंदगी जी चुके हैं, थक हार चुके हैं, उनको मन ही नहीं है वो सब कुछ करने का, तो वो बेचारे बोर होके जबरदस्ती में बच्चों को सिखा रहे हैं। तो मैं आपसे ना आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ, बिकॉज आई फील दैट दैट इज इमेंसली हेल्पफुल फॉर ऑल आर ऑडियंसेस, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर स्ट्रगलिंग टू मेक सेंस ऑफ देयर करियर एंड देयर प्रोफेशन इन जनरल, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं आपके ग्रोइंग अप इयर्स से, कि आप राजस्थान से हैं, क्या आप वहीं पले बड़े, और अगर हाँ तो व्हाट वाज योर हाउसहोल्ड लाइक, क्या इंजीनियर बनना ऑलरेडी सेट था, माँ बाप ने पहले ही बोल रखा था, क्या था, कैसे था, आईआईटी क्यों जाना था, इसके बारे में कुछ बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल अंकल थैंक यू। पहले तो मैं एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन आपके वीडियोस देख के मुझे जो खुशी मिली थी आपके वीडियोस में, वो एक चीज थी जिसको मैं हमेशा से देखता था। मैं हमेशा सोचता हूँ कि अपने वीडियोस को कैसे इंप्रूव कर पाऊँ, मुझे रेफरेंस कहीं मिलती नहीं थी, मैं दुनिया भर के एजुकेशनल वीडियोस देखता हूँ। आपके वीडियोस में वो जो ठहराव है, कामनेस है, वो एक अलग पर्सोना जो है वो चैनल पे अलग है, अनमैच्ड है, और वो देखते ही मैं रोक नहीं पाया अपने आपको, मुझे आपको मेल करना ही था। आई एम सो हैप्पी कि आज हमारी ये बात हो पा रही है, तो सबसे पहले तो थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। उसके बाद हाँ शुरू करते मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई। ऐसे हम लोग का, हम एक्चुअली राजस्थान में छोटे से गाँव से बिलोंग करते हैं, लेकिन जब हम लोग पैदा हुए थे तो हमारे पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया कि पढ़ाई काफी ज्यादा जरूरी होती है, तो वो लोग मूव कर गए जो नियरेस्ट सिटी थी, 12 से मैं हूँ, और उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि इनको पढ़ने की अपॉर्चुनिटीज मिले। तो फिर वहां पे पढ़ाई करी, और एज सच मुझे ये नहीं पता था कि आईआईटी जाना है। एक्चुअली कोटा जो आईआईटी कोचिंग का हब है उसके बहुत ही पास में, 70 किलोमीटर दूर रहता हूँ, लेकिन 10th पास करने तक मुझे नहीं पता आईआईटी चाहिए क्या होता है, पता ही नहीं था। हमारे टीचर ने एक थे बोला कि यार इसको आप भेजो, मेरे पेरेंट्स को बोला, मैं तो उनके पास ट्यूशन पढ़ने गया था, उनने बोला कि आप इसको यहाँ मतलब इसको भेजो कोटा, ये कुछ कर सकता है। और थैंकफुली मेरा एक दोस्त था, उसने भी कॉल किया, 12 में क्या कर रहा है तू, आना कोटा। तो मैं चलो देखते हैं, और लकीली मेरा एडमिशन हो गया वहां पे, और फिर उसके बाद कोचिंग करी, और फिर आईआईटी जेई क्लियर हो गई और हम पहुंच गए आईआईटी खड़गपुर।
तो आई थिंक इसमें काफी लक फैक्टर तो था कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। एंड आपके पेरेंट्स या ब्रॉडर फैमिली में से कोई भी इंजीनियर था या कोई आईआईटी गया है? नहीं, आईआईटी तो कोई नहीं गया था। वाओ, तो मतलब दिस इज ब्रिलियंट यार, मतलब आपने इतनी आसानी से बोल दिया वो मेरा कोटा में हो गया, फिर मेरा आईआईटी जेई में हो गया, जैसे कि इतना ही आसान होता है। मैंने दो बार आईआईटी जेई अटेम्प्ट मारा था, दूर दूर तक मेरा नहीं हुआ, बट सो आई अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट कि यार इतना आसान नहीं होता जितना आप ऑफकोर्स उसको बना रहे हैं। यू आर क्लियरली स्मार्ट एंड यू अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स। एंड फिर आप जब केजीपी गए तो वहां का माहौल कैसा था? बिकॉज इट मस्ट हैव बीन द फर्स्ट टाइम कि आपने अपना स्टेट छोड़कर एक बिल्कुल नई और वो भी एट द अदर एंड ऑफ द कंट्री बिल्कुल अलग कल्चर। आईटीकेजी पर कैंपस भी बहुत ही अच्छा है, मतलब पर्सनली आई हैव बीन देयर एंड आई हैव लव्ड इट, लेकिन बहुत बड़ा और काफी शुरू में डरावना कैंपस लगता है, बट हाउ वाज योर अर्ली एक्सपीरियंस? ओके, तो मुझे इंजीनियरिंग करनी थी ये नहीं पता था, मुझे तो ये पता था कि 12 के बाद करना क्या होता है। आईटी जब मुझे बताया गया कि आईटी करना, तो मैं कहा चलो यार ये करते हैं, मुझे नहीं पता था क्या करना है। कार्टून देखते थे तो लगता था अच्छा ऐसी चीज बनाएंगे वैसी चीज बनाएंगे, तो मे बी हम वो बनाएंगे एक गाड़ी जो पानी से चलते हैं। मैं कहीं ये मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये बनूंगा, वहां गए आईआईटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग मुझे खड़गपुर में मिली थी। मैंने खड़गपुर में एक ही चॉइस भरी थी, मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी तो मैं खड़गपुर जा रहा हूँ, नहीं तो सारे आईआईटी बॉम्बे आईआईटी डाले घर के पास वाले मैंने रखे हुए। किस्मत से वो मिली, वहां पहुंचे और उसी दिन थर्मोडायनेमिक्स समझ में आई ये तो नहीं हो रहा है। पर फिर भी मुझे था शौक किया मैं अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर बनू, लेकिन साथ में आईटी में जाते हो तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बहुत सारे लोग मिलते हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग चीजें कर रहे होते हैं, कोई गिटार बजा रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो मुझे हमेशा से कैमरा रिलेटेड चीजों में भी इंटरेस्ट था। जब मैं आईटी की तैयारी करता था तब भी एक छोटा सा फोन था, उसमें 20-20 सेकंड की क्लिप्स बनती थी, उसमें एडिटिंग का ऑप्शन नहीं था, तो मैं पॉज कर करके इधर उधर रिकॉर्ड करता था। मैं 2007 में टिकटॉक कर रहा था उसको कोई पोस्ट नहीं कर सकते थे। फिर कॉलेज जाकर के मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एक्सप्लोर करने की, मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग फोटोशॉप ये सारी चीजें सीखी, फोटोग्राफी का काफी इंटरेस्ट था और मुझे मजा आने लगा। और बन तो इंजीनियर रहे थे, मैंने सोचा फोर्थ ईयर में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप कहीं जाकर इंटर्नशिप कर सको, तो मैंने द वायरल फीवर में इंटर्नशिप करी। वहां पर मुझे पहली बार टेस्ट मिला, मैं पहली बार मुंबई आया, मैंने देखा अच्छा इस तरह के काम भी होते हैं, आप यहाँ पे कर सकते हैं। और मैं उनमें अच्छा था, मुझे कैमरे से रिलेटेड फोटोग्राफी की ट्रिक्स आती थी उस टाइम तक। मैंने कहा हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें जितनी ट्रिक्स आती है मैंने सारी लगा दी और वो म्यूजिक वीडियो काफी अच्छा भी बना। और आई थिंक कुछ दिनों बाद ही वैसा एक सिमिलर म्यूजिक वीडियो हमें बॉलीवुड मूवी में देखने को भी मिला, तो हम लोग तो यही सोच के खुश हो जाते थे कि अच्छा हम दोनों ने एक ही जगह से कॉपी किया होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मजा आ रहा था। फिर मैं वापस जब कॉलेज आया तो मुझे पता था ओके बॉम्बे जाना है, इस काम में मजा बहुत आ रहा है, इस काम में मैं अच्छा भी हूँ, लेकिन पैसे नहीं मिलते, यहाँ मिलता है सिर्फ एक्सपोजर, करोगे क्या? तो फिफ्थ ईयर में जब आपके आधे से ज्यादा लोग जो बीटेक वाले होते हैं वो चले जाते हैं, आपके पास बहुत सारा टाइम होता है, मैंने कहा अब सब लोग पैसे कमा रहे हैं, कोई स्टॉक्स में कमा रहा है, कोई और तरह का फ्रीलांस कर रहा है, कोई अपना स्टार्टअप कर रहा है। मैंने फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट कर दी, मेरा प्लेसमेंट हो गया था, मेरी जॉब लगी थी कोलकाता में, पर अगेन मुझे जाना था मुंबई, और मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग में इतना फ्रीलांस कर लिया उस फिफ्थ ईयर में कि आई वाज मेकिंग मोर देन माय प्लेसमेंट, जो भी पैकेज था उससे ज्यादा। मैं कहा अब मेरे पास बैकअप है, मुंबई जाने के लिए एक ही चीज तो मुझे चाहिए थी, बैकअप। तो मैंने बैकपैक के कॉलेज खत्म, मैं पहुंच गया मुंबई बिना किसी प्लान के। मुझे बस ये पता था कुछ कैमरा रिलेटेड करना है, एक्टिंग करनी है, डायरेक्शन करना है, एडिटिंग करनी है, क्या करना है नहीं पता, फोटोग्राफी करनी है नहीं, बस कुछ करना है। ऐसे मैं पहुंच गया मुंबई। वाओ मैन, फैंटास्टिक। एंड फिर जब आपको फिफ्थ ईयर में पैसे कमाने थे और एक बैकअप कमाना बनाना था अपने प्लेसमेंट ऑफर के लिए, और आपने ग्राफिक डिजाइनिंग में फ्रीलांसिंग शुरू करी, आपको शुरू शुरू के अपने क्लाइंट्स कहां से मिले? ओके, तो मुझे हमेशा से ये चीज पता थी कि फ्रीलांसिंग कुछ होती है। थर्ड ईयर में मैंने फ्रीलांसिंग ट्राई करी, कुछ नहीं हुआ। फोर्थ ईयर में करी, नहीं हुआ। फिफ्थ ईयर में करी, नहीं हुआ। कैसे करते थे, इसमें ये होता था कि कुछ क्राउड सोर्सिंग वेबसाइट होती थी, वहां पे दुनिया भर के लोग अपनी बीफ पोस्ट करते थे कि मैं एक आइसक्रीम की शॉप खोल रहा हूँ, मुझे एक लोगो चाहिए जिसमें आइसक्रीम जैसी कुछ बनी हो, पिंक कलर्स यूज होते हैं, उसकी कुछ भी ब्रीफ होती थी। फिर दुनिया भर के डिजाइनर्स बिट करते थे, दुनिया भर के नहीं करते थे एक्चुअली, 40-50 लोग ही बिट करते थे, उससे ज्यादा देखते लोग यार इसमें तो ऑलरेडी काफी सबमिशन आ गए, अब मैं नहीं करने वाला, यहाँ पे कुछ फायदा नहीं। तो उस तरीके से बिट करते थे। इवेंचुअली फिफ्थ ईयर में आई थिंक मेरी डिजाइनिंग अच्छी हो गई थी कि मुझे वहां पे मिलने लग गया, तो फिर मैं वो करता गया। और यहाँ पे आप टेम्पलेट बना लेते हो, क्या करते हो कि अभी आप ब्रीफ पढ़ के कर रहे थे, फिर आप देखते हो देयर इज अ पैटर्न, बहुत सारे रियल एस्टेट वाले लोग हैं जिनको रियल एस्टेट रिलेटेड लोगो चाहिए जो ए से एस के इनिशियल्स होंगे, तो आपने रियल एस्टेट के बहुत सारे बना दिए, और जैसे ही आपको रियल एस्टेट की ब्रीफ देखी आपने सारे चिपका दिए, 50 सबमिशन मेरे ही है तो बाकी लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे, वहां पे कोई अपलोड नहीं करेगा,
तो इस तरीके से काफी सही चल रहा था मेरा। Very smart. And these were mostly, I'm assuming, international clients थे ये। All of them were international clients. Got it. तो आपको फिर dollars में कमाते थे और अब dollars में कमाते थे तो वो अच्छा चल रहा था। Exactly. That was awesome. Brilliant. और फिर अब बॉम्बे गए कोई plan के बिना कुछ नहीं idea कि क्या है बस सिर्फ camera में काम करना है। फिर वहाँ क्या हुआ? तो मेरे और एक आईडी खड़गपुर के सीनियर थे जिन जब मैंने वायरल फीवर में इंटर्नशिप करी थी तो वो वेडिंग फोटोग्राफी रिलेटेड कुछ कर रहे थे। वायरल फीवर में मैं काम कर सकता था उस टाइम। वायरल फीवर जिस तरीके का काम कर रहा था वो मेरे साथ रेजोनेट नहीं कर रहा था तो मुझे ये था मेरे को ये तो नहीं करना है अभी पर कुछ तो करना है। तो मैं एक और थे जो सीनियर उनके साथ चला गया वो वेडिंग फोटोग्राफी वगैरह प्लान कर रहे थे। मैं कहा ओके अब हमें प्रोफेशनल कैमरा खरीदना पड़ेगा बड़ा पीसी चाहिए पैसे तो लगने वाले लोन चाहिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मैं कमाता था मैं उड़ा भी देता था बच्चा तो था ही तो वो मैंने उनसे लोन लिया और हमने प्लान किया ओके अभी जुलाई है तुम अभी काम करो मैं डिजाइनिंग करता रहा पैसे कमाता रहा दिसंबर में जब सीजन आएगा तो पैसे भी मिलेंगे और हमारी फोटोग्राफी का बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। दिसंबर आया फोटोग्राफी का बिजनेस स्टार्ट हुआ काफी ट्रैवल करने को मिल रहा है आप फोटो खींच रहे हो कैमरा रिलेटेड काम करो जिसमें मजा आना चाहिए था पर मजा नहीं आया। वो वेडिंग फोटोग्राफी में सब कुछ था मैं उसके पीछे भागे भागे चला भी आया पर उसमें मजा ही नहीं आया क्या करोगे छोड़ना पड़ेगा और लोन भी चुकाना है तो क्या करोगे अब काम करना पड़ेगा कर रहे हैं काम पहले से कमिट भी कर रखा था कर रहे मैं कहा यार ये तो वर्कआउट नहीं कर रहा है। और आई थिंक उस टाइम पे वो मेरे लिए काफी लो पॉइंट हो गया था करे क्या मुझे था कि यार मेरे को घर में बैठे बैठे आप कंप्यूटर पे काम करो ये तो नहीं करेगा आप काउच पोटेटो बन जाओगे। मैं कहा जिम जाऊंगा मैं रोज जिम जाने लगा और अब इतना महंगा रेंट मुंबई सबसे महंगी सिटी है और मेरे जैसे लोगों के लिए उस टाइम पे तो बहुत महंगा पड़ रहा था कैमरे इतने महंगे आते तो मैं कहा यहाँ पे नहीं होगा। मैंने उसमें हम housing.com में आप घर देखते हो ना सस्ता रेंट की तरह मुंबई में नॉर्थ की तरफ देखते हो आप तो रेंट कम होता जाता है तो एकदम से स्क्रॉल हुआ पहुंच गए हम ज्यादा ही नॉर्थ जयपुर। मैंने कहा अरे यहाँ तो 3 BHK मिल रहा है मुझे 10,000 रुपए में यहाँ बगल में गोल्ड जिम भी है मेरी मेंबरशिप ट्रांसफर हो जाएगी और मैं चला गया। और मुझे इतना सा भी उस पर रेजिस्टेंस नहीं था क्योंकि मुझे पता था अभी मैं जा रहा हूँ मैं वापस आने वाला हूँ एक साल मुझे अभी ब्रेक चाहिए मुझे सॉलिड फाउंडेशन चाहिए मुझे अपनी टर्म्स में मुंबई आना है या ऐसे लोन लेकर के और कुछ भी रैंडमली कमिट कर करके और मेरे पास कैमरा नहीं है ऐसे नहीं आना। तो मैं फिर एक साल जयपुर गया मैंने वहाँ बहुत ज्यादा ग्राफिक डिजाइनिंग करी और उस टाइम पे मैं वर्ल्ड वाइड जो टॉप क्राउड सोर्सिंग वाली वेबसाइट थी designcraft.com उसके टॉप 20 डिजाइनर्स में से था तो काफी अच्छा चल रहा था। और एक साल मैंने जयपुर में समय बिताया और अब मैं रेडी था वापस मुंबई आने के लिए। फिर मैं फिर से मुंबई आ गया आई थिंक 2014 था बैक टू मुंबई। वाओ मैन दैट इज फैसिनेटिंग। तो किसी भी पॉइंट पे कोई झिझक नहीं महसूस हुई विक्रांत की यार बॉम्बे यहाँ अरमान था यहाँ ही ख्वाब थे यहाँ सपने थे ये सब छोड़ के वापस जयपुर कभी भी ऐसा लगा कि अगर जयपुर नहीं काम कर पाया या कुछ नहीं हो पाया तो शायद बॉम्बे कभी वापस नहीं आ पाऊंगा? नहीं मैं एकदम पक्का था क्योंकि मैं कॉलेज में पैसे कमा लेता था मैं बॉम्बे में रह के पैसे कमा लेता था वो बस वो एक छोटा सा फेज था। मुझे पता था कि मैं वापस आ रहा हूँ एक साल में वापस आ रहा हूँ तो एक्चुअली जयपुर मेरे लिए काफी अच्छा वो आपको टाइम मिलता है ना आप सोच पाते हो आपको मुंबई में आपको यार कॉन्स्टेंट स्ट्रगल है यार अगले महीने का रैंक कहाँ से आएगा जयपुर में आप सोच पाते हो। तो वहां पर एक्चुअली मुझे अपने पहले क्लाइंट से मिले क्योंकि मुझे वापस मुंबई आकर के कैमरा रिलेटेड काम करना है मुझे वेडिंग फोटोग्राफी मुझे नहीं करनी है तो क्या करोगे यू नीड टू फाइंड न्यू थिंग टू डू। तो मैंने उस टाइम मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे सब स्टार्टअप करने लगे थे। स्टार्टअप के साथ प्रॉब्लम क्या होती है उनको बनानी होती है वेबसाइट उनको लोगो चाहिए होता है और उनको चाहिए होता है एक्सप्लेनर वीडियो उनको चाहिए होता है कॉर्पोरेट एवीज। तो नेटवर्क को मैंने लेवरेज किया और वहीं पे जयपुर में मुझे मेरे पहले क्लाइंट्स मिले जिनके लिए मैं वीडियो बनाने गया ये मेरे लिए एक नया तरह का काम था उससे पहले मैंने वैसा किया नहीं और वो अच्छा चल रहा था। अब मुझे थोड़ा विजन दिख रहा था कि मुंबई भी अगर मैं गया इसमें ग्रो कर सकते हैं आज मुझे पैसे ही तो कम मिले हैं वो तो बाद में बढ़ जाएंगे जैसे जैसे मेरा काम इंप्रूव होगा आई कैन डू इट। तो मैं मुंबई आया और बहुत ही होपफुल था यार अब मैं अपनी टर्म्स पे आया था और पैसे भी ठीक ठाक थे कैमरा रिलेटेड कोई टेंशन नहीं थी और मेरी गर्लफ्रेंड को भी मुंबई आ गई थी जो लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा था काफी सालों से मैंने कहा यार दिस इज द लाइफ आई हैव फाइनली मेड इट। तो बहुत ही अच्छा टाइम था 2014 एंड उस समय आप कितने साल के थे 2014 एक साल जयपुर पूरी मेहनत से काम किया काफी पैसे कमाए
And then you came back to Bombay on your own terms, which I love. Yeah. And फिर वहां से आपने क्या शुरू किया? फिर I think life was good. I was really looking forward to it. पर आप सोचते हो क्या होगा, होता क्या है और ये. मुझे लगता था मेरे ऊपर जितनी भी प्रॉब्लम आ जाए करियर वाइज मैं सब कर सकता हूँ. मैं अभी अभी जयपुर से वापस आया, इतना मैं कॉन्फिडेंट था कि इससे बुरा क्या हो सकता है, कुछ भी होगा मैं कर लूंगा. लेकिन उसी समय कुछ ऐसा हो जाता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, इतना हेल्पलेस फील होता है. मुझे एक शाम को कॉल आया कि आपके गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, यू हैव टू कम टू अवर हॉस्पिटल. हॉस्पिटल गया, उस दिन बारिश भी हो रही थी, जुलाई का टाइम, सितंबर का टाइम था. फिर वहां मैं पहुंचा, मैं बोला किधर है, किसने कॉल किया, बताओ आप कुछ. तो मैं देख रहा हूँ आईसीयू में किधर है, कहाँ मुझे वो दिख जाए, कुछ दिख नहीं रहा, डॉक्टर कुछ बोल नहीं रहा है. डॉक्टर पूछ रहा आप अकेले आए हो क्या, कोई साथ में आपके आया. मैं कब बताओ तो सही हुआ क्या है. तो फिर एक नर्स आई, मुझे एक रूम में लेके गई, वहां पे कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है. वो इनफैक्ट कोई मतलब हॉस्पिटल का वो वार्ड नहीं था, वहां पे बस एक स्ट्रेचर था बीच में, एंड देयर शी वाज. मैं बोला देख के बताओ इस ये वही है या. शी वाजंट देयर. मुझे समझ ही नहीं आया ये क्या हुआ. अभी मैंने सब सही किया है अपनी लाइफ में, इतना मैं कॉन्फिडेंट. ये चीजें ऐसी हो जाती हैं तो मुझे पता भी नहीं है फिर उसके बाद क्या हुआ. मुझसे शब्द ही निकलते थे उस टाइम पे. मुझे याद है उसका सामान लेने मैं उसके पीजी में गया था, तो मुझसे बोला ही नहीं गया क्या हुआ कि मुझे उसका सामान दे दो. मैं खड़ा होकर वहां रो रहा हूँ और बहुत ही खराब टाइम था वो. ऐसी सिचुएशन में इसमें पता है ये आप कह सकते हो तो पर्सनल लाइफ की ट्रेजेडी किसी के साथ हो सकती है, पर आई थिंक इसका वर्क से बहुत ज्यादा रिलेटेड रिलेशन है. जैसे अगर मैं किसी ऑफिस में काम करता होता तो मेरे साथ लोग होते जो मुझसे डेली बेसिस पे बातें करते, यहाँ मेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं है. अगर मैं ऑफिस जाता होता तो मेरे पास एक कहीं ना कहीं से पुश होता टू मूव ऑन लाइफ में, आप आगे बढ़ो, चीजें सोचो. मैं सोच ही नहीं पा रहा, और ये चीज आपके हाथ में ही नहीं, आपका पूरा कॉन्फिडेंस धराशायी हो चुका होता है. आपको पता ही नहीं होता है कि इस टाइम पे आपको जो हेल्प चाहिए वो हेल्प एग्जिस्ट भी कर सकती है, आप किसे मांग भी सकते हो हेल्प. और वो बहुत ही फिर वहां से डाउनवर्ड स्पाइरल है इमोशनली. तो मैं इतनी जो रिस्क दे सकता था, अब मेरा वो जो फाउंडेशन बिलीफ हो सकता है ना कि आप कुछ कर सकते हो, वो पूरा टूट गया है. अब मैं रिस्क नहीं लेता हूं, अब मैं सिर्फ वो काम करता हूं जिससे मुझे पता है यहाँ मुझे पैसे मिलेंगे, और वो भी सर्वाइव करने के लिए. मेरे वो जो गोल थे, वो ड्रीम थे कि यार मैं कैमरा रिलेटेड कुछ करना हूँ, मे बी फिल्म बनाएंगे कुछ करेंगे, सब गया साइड में. पहले यू हैव टू सर्वाइव. और फिर मैंने वही किया जो कर सकते थे, काम करते रहो. बहुत लोगों का आई थिंक यही कोपिंग मैकेनिज्म होता है कि वो अपने आप को काम में डुबो लेते हैं. वाओ वाओ, दैट इज अनइमेजिनेबल यार, अनइमेजिनेबल. कितना वक्त लगा आपको विक्रांत इससे, मतलब पूछना भी अजीब सा लग रहा है, कितना वक्त लगा आपको इससे निकलने के लिए, क्योंकि शायद आप अभी भी नहीं निकले. बट व्हेन डिड यू एक्चुअली बिगिन टू गेट योर सेल्फ बैक, कितने महीने साल लग गए आपको? आई थिंक ये काफी डिपेंड करता है. तो जब मैं बाकियों के साथ होता तो किसी को पता भी नहीं चलता था यहाँ कुछ हुआ है, और अगर होता भी था तो लोगों को लगता मे भी करियर अच्छा नहीं चल रहा इसलिए सैड है क्या है. ये कितनी पुरानी बात है? दिस वाज इन 2014. ओके, 14 में ही हुआ, करेक्ट. और फिर इस ट्रेजेडी के बाद आपने जब अपने आप को संभाला, देन व्हाट नेक्स्ट? 2015-16 बहुत सारे दोस्त स्टार्टअप कर रहे हैं बैंगलोर में. ऑलमोस्ट हर महीने जा रहा हूँ, सभी के लिए स्टार्टअप वीडियोस बना रहा हूँ. सिर्फ वीडियो नहीं बनाता था मैं, तो गया था कस्टमर सेंट्रिक. मुझे पता था मेरे जो क्लाइंट्स हैं ये सब मेरे दोस्त हैं, इनके पास ज्यादा पैसे नहीं है और इनके बहुत सारे पेन पॉइंट्स हैं. लोग इनको बोलते मैं वेबसाइट बनाऊंगा, पैसे लेके एडवांस लेके भाग जाते, कभी वेबसाइट नहीं बन रही इनकी. जो बोलते हैं इनके लिए मैं लोगो बनाऊंगा, उनके कॉम्पिटिटर का चिपका देते, क्योंकि मैं डिजाइनर भी था. पर इसमें भी फिर एक क्रिएटिविटी के लिए प्लेटू आ जाता है. आप देखते हो यार वही चीज है, पहले हम एक प्रॉब्लम दिखा रहे हैं, फिर करंट सोल्यूशन दिखा रहे हैं, फिर हाउ माय सोल्यूशन इज बेटर वो दिखा रहे हैं. एक ही चीज चल रही है, इसमें मजा नहीं. और वो दिखता भी वैसे ही था समहाउ. वो बैंगलोर का बैकड्रॉप है, वैसे वही कैमरा है, क्या करोगे. कुछ तो नया करना था, मैंने कहा अभी टाइम है, हमें सीखना पड़ेगा. मुझे सीखना था फिल्म मेकिंग, और मैं मुंबई में ही रुका. मैंने स्टार्ट कर दिया असिस्टेंट डायरेक्शन का काम. असिस्टेंट डायरेक्शन का काम और कुछ नहीं आता मुझे वहां पर. वहां पर मैं गया हूँ, मुझे बोला गया है कि कार का कमर्शियल शूट हो रहा है, 2016-17 की बात आई थिंक. तो
आप जाओ वहां से कार वाले को बोल दो कार लेके आनी है आपको, शॉट रेडी है कार लेके आओ। तो मैं अरे क्या हुआ इतना प्रेशर, पहली बार मुझे काम बोल गया कि सब मुझे आता ही नहीं है सेट पे, कार वाला है कौन, नंबर नहीं है मेरे पास। मैं भाग के गया उसके पास, यार प्लीज कार भेज, उसने बोला भेज रहा हूँ। मैं वापस आया, मैं कहा हाँ आ रही है कार आ रही है, उसने बोला वैसे वो वॉकी टॉकी, तू भाग के क्यों गया, वॉकी टॉकी के क्यों नहीं बोला। मैं कहा वॉकी टॉकी क्या होता है। तो ये मेरा हाल था उस दिन, मेरा जो चीफ एडी था उसको समझ गया ये नया है, इसको कुछ नहीं आता। उसने मेरी ड्यूटी लगा दी, 3 दिन मैंने बस गाड़ियां धुलवाई हैं, गाड़ी का शूट होता था धुल आ जाती, मैं कैमरे से बहुत दूर हूँ, मुझे कैमरा दिख भी नहीं रहा, काम है सीखने गया था और मैं गाड़ियां धुलवा रहा हूँ। मैंने कहा ये तो काम नहीं करेगा, असिस्टेंट डायरेक्शन में तो पता नहीं क्या क्या बहुत सारे काम करने पड़ते, काफी प्रेशर होता। मैंने कहा हम एक काम करेंगे, हम बनाएंगे बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द सीन के बहुत बड़े फायदे हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज, किसी को आपके जवाब दे रही नहीं है, फिल्म अच्छी बन जाए सब खुश है, बिहाइंड द सीन बने नहीं बने कोई पूछता तक नहीं है, ठीक है, पैसे तो दोनों में ही नहीं मिल रहे थे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तीसरी चीज, बिहाइंड द सीन में मैं कहीं भी जाके खड़ा हो सकता हूँ, यहाँ शूट चल रहा है मैं वहीं पे आके अपना कैमरा लेके खड़ा हो जाऊंगा, मैं डायरेक्टर से बात कर सकता हूँ, डीओपी से बात कर सकता हूँ, प्रोड्यूसर से बात कर सकता हूँ, लाइट वाले से बात कर सकता हूँ, किसी से भी बात कर सकता हूँ। और मैंने वहां पर बहुत कुछ सीखा, एक्टर से भी बात कर सकते हो, बड़ा सीखने को मिला। अब मुझे लगता था मैं घर पे आके उसको प्रैक्टिस करता था, क्योंकि मुझे एक बिलीफ था कि कैमरा इज जस्ट अ टूल, वो बस एक टूल है। इवेंचुअली मेरे दोस्तों के स्टार्टअप भी ग्रो हो रहे थे, उनको एक अपॉर्चुनिटी आई, उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट बनाया कि जिसके लिए उन्हें टीवी एड की जरूरत थी इवेंचुअली, और मैं भी स्किल सेट अपना बढ़ा रहा था, एक अपॉर्चुनिटी आई उसने मुझे मौका दिया और मैंने अपना पहला टीवी एड बनाया। उस साल मैंने 2 टीवी एड बनाए, एक तो एयर नहीं हो पाया कुछ रीजन से, वो प्रोडक्ट के साथ प्रॉब्लम हो गई थी, शूट भी मैं कर रहा था, एडिट भी मैं कर रहा था, डायरेक्ट भी मैं कर रहा था, स्टोरी राइटिंग भी मेरी थी, और वो वैसा दिख भी रहा था जैसा मैं चाहता था। एक हमने बैंगलोर में शूट किया था, वो लगता नहीं था वो बैंगलोर में, हमने मॉडल्स भी जो टैलेंट था वो फॉरेनर ले लिए थे तो वो इंडिया दिख ही नहीं रहा था। दूसरा था वो भी बहुत अच्छा लगा एट अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट, लेकिन जब वो एड टीवी पे आया ना तो मम्मी ने मेरे को वीडियो भेजा कि बेटा देखो तुम्हारा ऐड आ रहा है, मेरे पास तो केबल टीवी था नहीं, मैं तो देख नहीं सकता, मम्मी ने भेजा बहुत अच्छा है। फिर एक हफ्ते बाद वो वीडियो हट गया, क्योंकि ऐड कब तक चलेगा। और जिस दिन वो हटा मैंने कहा यार ये सारी चीजें लेकिन इसका इम्पैक्ट ही नहीं है, लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, मैंने वो बनाया कि नहीं बनाया क्या फर्क पड़ता है, मैंने कितनी मेहनत करी नोबडी केयर्स, और मुझे भी नहीं अच्छा लगा, ये क्या ही कौन सा अचीवमेंट था। तो समहाउ मुझे अब उसी दिन पता था कि मैं नेक्स्ट एड के लिए मैं पिच नहीं कर रहा हूं। मैंने एक कोल्ड ईमेल किसी को नहीं लिखा, मैंने कहीं किसी को नहीं बताया, और अब टाइम था, आई थिंक दिस वाज 2018, अब मुझे क्रिएटर बनना था। टीवी एड्स में या किसी भी स्टार्टअप के वीडियो में आप एक कंपनी के प्रोडक्ट को हाईलाइट करते हो, आप अपनी क्रिएटिविटी ज्यादा नहीं लगा सकते, एक लिमिट होती है उनको, एक तरह की ब्रांड इमेज बनानी है। मैंने कहा अगर मुझे एड्स बनाने हैं तो पहली बात तो मैं अपनी कंपनी के लिए बनाऊंगा, जो इवेंचुअली बाद में मैंने बनाए भी, उसमें मैं अपनी तरह की इमेज डालूंगा, कोई क्रिएटिविटी पे हमें लिमिट नहीं चाहिए। दूसरी चीज, अब मुझे क्रिएटर बनना, मुझे दूसरों के आइडियाज को एग्जीक्यूट नहीं करना, ये मेरे मन में एकदम क्लियर हो गया था। क्रिएटर कैसे बनोगे, तो टाइम था यूट्यूबर बनने का। हमने शुरू किए चैनल्स, किस चीज के बारे में, हमने खोला यूट्यूब का ट्रेंडिंग पेज, एक से एक कचरा चीज है उसको, एक से एक, मैं कहा यार ये वायरल हो रहा है, और मुझे पता था आने वाले बहुत लंबे समय तक यहां से यूट्यूब रेवेन्यू तो नहीं आ रहा, पर एक चीज थी जो मुझे दिखी, वो करने में अच्छा था और वो करने में मजा भी बहुत आ रहा था, इवेंचुअली उसमें पैसे भी बहुत मिलते हैं, दुनिया को उसकी जरूरत भी थी क्योंकि अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है, और स्टार्टअप्स में काम करते भी मुझे और एक चीज चाहिए थी जो थी वो स्केल हो सकता था। तो ये सारी चीजें मुझे दिखती, मैं कहा यार दिस इज इट, अब तो यही करना है, बाकी सब बंद, पैसे नहीं आने वाले। मैंने कहा अब कमर कस लो, अब गरीबी आने वाली है, क्योंकि फुल टाइम तो पार्ट टाइम ही काम होगा, अरे फुल टाइम करना है, पर मुझे पक्का था यहाँ से पैसे आएंगे, और मुझे कुछ टेस्ट भी करने थे साथ में कि कुछ रेवेन्यू स्ट्रीम्स होनी चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि क्या कोई ऐसी चीज है जो मैं अभी 1 महीने में कर दूं, 15 दिन में कर दूं और उससे मुझे पैसे भी आ पाए। तो फिर मैंने एक काम किया, मैंने नोट्स बनाए, क्योंकि अगर मैं पूरे 11th और 12th की फिजिक्स पढ़ा था तो उसमें लगता साल, मैंने बना लिए सिर्फ नोट्स, उसमें 5 पेज पर सारे के सारे फॉर्मूले बड़े कलरफुल तरीके से, जैसे अभी तक किसी ने नहीं किया था। मैंने कहा ये है PDF और इसको आप फ्री में लो, PDF इज फ्री टू डाउनलोड, जिनके पास पैसे नहीं है आप डाउनलोड करो प्रिंट कराओ। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं है, या जिनके शहर में वो कलर्ड प्रिंटर्स नहीं है जहां पे आप अच्छी क्वालिटी में प्रिंट्स निकाल पाओ, तो मैंने उसको Amazon पे भी लिस्ट किया और मैंने खुद जाकर के कुछ सेट नंबर ऑफ छपा लिए कि यार अब देखते ऑर्डर आता है कि नहीं आता। ऑर्डर आए और आउट ऑफ स्टॉक हो गया,
और पहली बार जब वो हुआ था मैं सबको साथ में थैंक यू नोट लिखा के दे रहा था, क्योंकि मुझे पता था वहां पीडीएफ है, वो डाउनलोड करके उसे प्रिंट करा सकते थे, लेकिन वो इनडायरेक्टली वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो खरीद रहे हैं अमेजोन से तो वो इसलिए नहीं है कि उनको मेरा कंटेंट पसंद आया, वो सपोर्ट कर रहे थे। साथ में मैंने हर वीडियो के बाद में वो डोनेशन वाला क्यूआर कोड और लिंक दिया, 2 रुपए, 5 रुपए, 25,000 रुपए सब डोनेशन में मैंने क्रेडिट पे कैंपेन चलाया। वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया उतना ज्यादा, लेकिन एक ठीक ठाक अमाउंट आया। लेकिन उसके बाद वो पूरा पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो जाता, मेरा वीडियो कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है पूरे पैसे चले तो जाते थे क्योंकि आपको रहना है एकदम टेक में सबसे ऊपर, तभी आपको फ्यूचर प्रूफ बना पाओगे, नहीं तो घिसा पिटा तो सबने बना लिया, हम वो नहीं कर सकते। तो सारे पैसे खर्च भी हो जाते थे, मैंने एडिटर भी हायर किया, लेकिन इवेंचुअली हाँ मुझे पता था यार आई एम ब्रोक, मेरे पास पैसे नहीं थे खर्च करने के लिए, बाहर जाना बंद, ऑर्डर करना बंद सारा, एंड आई वाज ओके विद इट क्योंकि मुझे दिख गया था फ्यूचर है। एंड फिर किस पॉइंट पे चीजें टर्न होनी शुरू हुई? इसके बाद ना क्या होता था मेरी लाइफ का, मैं आपको बताता हूँ। सुबह उठ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, खत्म हो गया दिन भर घर में, मुझे फिर भी वो था मुझे जिम तो जाना ही है क्योंकि फिटनेस जरूरी है। अभी तो कैमरा फेसिंग, आई एम फर्स्ट टाइम फेसिंग द कैमरा, अभी तक पीछे था, अभी तो पक्का जिम जाना जरूरी है। और वो मेरे लिए मेडिटेशन की तरह भी काम करता था, जितनी भड़ा से कोई बात करने के लिए तो है नहीं यार जिम में, चलो निकाल लेते, यही एक चीज है। फिर मेरी इंजरी हो गई यार, मेरे को शोल्डर की सर्जरी करानी पड़ी, मेरा कंधा टूट गया, आई वॉज ब्रोक एंड नाउ आई वॉज फिजिकली ब्रोकन। अब क्या करें, और ऊपर से मेरा ब्रेकअप भी हो गया, मैं कहा गए कहां से, नाउ आई वाज ब्रोक ब्रोकन एंड ब्रोकन अप। सब दोस्तों की शादी हो गई, सारे दोस्त बिजी हैं, आप अकेले हो, करियर में पता नहीं कब पैसे आएंगे नहीं आएंगे, किसी से मांग नहीं सकते, 30 साल का आईआईटीएन जो पैसे नहीं है जिसके पास, लोग प्लॉट खरीद रहे, फ्लैट खरीद रहे आपके बैचमेट्स, आप क्या कर रहे हो? तब दिक्कत होने लगी, एंजाइटी अटैक्स आने लगा। मैं कहा ठीक है गरीबी से मैं जी सकता हूँ, लेकिन इस उम्र में मैं गरीब हूँ, मेरे को कोई, मैं आईसीयू में था यार एक दिन, तो मैं जैसे तैसे मैं कहा यार करूंगा। मैं अपने दोस्त के घर में सोता था, मैं वहां रहता था, अपने घर में नहीं सोता था, मैं अपने दोस्त के हॉल में जाके सोता था क्योंकि रात को पैनिक अटैक आएगा तो मैं चिल्ला के जाऊंगा कि वो बचाएगा तो सही मुझे ये सब चीजें हो रही थी मेरे साथ। इतने में आ गया हमारा कोरोना, मैं कहा बस अभी अगर लॉकडाउन हो गया, मैं घर में लॉक हो गया तो मैं बचने वाला नहीं, यहाँ गेम ओवर है। जिस दिन मुझे मुंबई में पहली बार मास्क दिखा किसी के भी ऊपर, उसके अगले दिन मैं गाड़ी में कंप्यूटर डाला, मैं चला गया अपने घर। मैं कहा ये मैं नहीं रह सकता, सर्वाइवल बहुत ज्यादा जरूरी है, पहले जिंदा रहोगे फिर बनाओगे तुम कंटेंट, नहीं तो हो गया। करेक्ट। और वो ये पिछले साल की बात है, इतना खराब टाइम था, यू हैव नो मनी, यू हैव नोबडी टू टॉक टू, यू हैव नो रिलेशनशिप, फ्यूचर में पैसे आते हुए दिख नहीं रहे, और मैं दूसरी बार मुंबई से बाहर आया था, मेरा सपना रहा यार यहाँ रहना, वहां पे ना मैं एडिटर हायर कर सकता हूँ, मैं बिजनेस ड्रोन कुछ नहीं कर सकता वहां। अब पहली बार ऐसा था कि मैं अपने आप को क्वेश्चन कर रहा था, अभी तक जो भी था ना सिचुएशन होती थी, करियर खराब है और मेहनत कर लेंगे, सिचुएशन खराब हमारी कोई गलती नहीं। आज मैं खुद से पूछ रहा हूँ, 31 साल का आईआईटीएन जिसके बैंक में 1,00,000 रुपया नहीं है, भाई तुम हो भी कि नहीं हो? उस टाइम मुझे लगा कि यार अभी प्रायोरिटीज चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसे नहीं चलेगा। मैं चला हूँ इंस्पायरिंग कंटेंट बनाने, स्टूडेंट्स को मैं दिखाऊंगा कि कैसे पढ़ने में मजा आता है, अरे मैं खुशी नहीं हूँ, मैं किसी और को क्या हंसा दूंगा? करेक्ट, पॉसिबल ही नहीं है। मैं कहा अभी सीखने की जरूरत है, संभलने की जरूरत है। वहां पर मैंने फिर अनअकैडमी ज्वाइन किया, आई नाउ आई एम बैक इन मुंबई लिविंग इन माय ड्रीम हाउस एट जू बीच, मेकिंग मोर देन आई कुड हैव एवर इमेजिन। तो अभी सही चल रहा है, मैं कुछ इस तरीके के वीडियोस बनाता हूँ जो लाइफ में मतलब नहीं पड़ा, मोस्ट इनोवेटिव टाइप ऑफ वीडियोस, 3D वर्चुअल रियलिटी वीडियोस हम बना रहे हैं यहाँ पर, और फ्यूचरिस्टिक लाइव क्लासरूम ऑनलाइन लर्निंग कैसी हो सकती है, हम मैं स्टूडेंट्स मेरी क्लास में बैठते हैं जो सबको देखते हैं। अभी तक क्या होता था कि पीछे क्लास चल रही है बस कैमरे से रिकॉर्ड कर देता, नहीं 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 यहाँ पे इंटरैक्टिव है, तो हर वो चीज़ जो कर सकते हैं मैं कर रहा हूँ। बट या अप्स एंड डाउन्स तो इतने चलते रहते हैं। Fascinating यार, fascinating, बहुत बहुत inspiring विक्रांत, बहुत inspiring, and I सबसे ज्यादा जो मुझे आपकी कहानी के बारे में अच्छा लगा, एंड आई कुड रिलेट टू इट अ लॉट, इज देयर वाज समथिंग दैट मेड यू फियरलेस,
एंड इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ मुश्किलें नहीं आई या आपके साथ सब कुछ आसान हुआ, बट समहाउ एक कंफर्ट लेवल था कि यार जिंदगी में ना सब सही हो जाएगा अगर तुम डरना बंद कर दोगे। एंड आई थिंक जब जब आपने, जितना भी मैंने सुना आपसे, जब जब आपने अपने डर पर एक तरीके का कंट्रोल हासिल कर लिया, थिंग्स जस्ट ओपनड अप, क्योंकि कैपेबिलिटी आपके अंदर है, इंटेंट आपके अंदर है, लेकिन डर ही है जो हम सबको बहुत बहुत हद तक पैरालाइज कर देता है। एंड व्हेनेवर वी फाइंड आवरसेल्व्स इन अ पोजीशन जहां हम डर का सामना करके उसको एक साइड पे कर आगे बढ़ पाते हैं, इट जस्ट ओपन्स अप डोर्स इन अ वे दैट इज मैजिकल। एंड यू मेक इट साउंड वेरी इजी हियर, बट आई नो इट वुड नॉट हैव बीन, लाइक आई नो इट्स स्टिल नॉट इजी, लेकिन That's the best part about the journey you are on. Fantastic, man. Lots of respect. Fantastic. Good Glad stuff. Feel like that. Good stuff. But I think, जब आप उस moment में होते हो ना, तो आप कर लेते हो। आप जैसे बोल रहे हो ना, उतना मुश्किल नहीं होता है, मतलब उतना आसान नहीं होता है। I think पर उतना मुश्किल भी नहीं होता है। कर तो लेते हो। तो कोई भी किसी भी इंसान को आई थिंक इसलिए तो डरना नहीं चाहिए यार, कैसे करेंगे यार, आप कर लोगे, आप शुरू तो करो, कर तो लोगे। I know, शुरू तो करो, हो तो जाएगा, कर तो लोगे। Exactly. Fantastic, man. On that note, thank you so much. I loved the conversation. This was more than I signed up for. आपकी कहानी genuinely काफी inspiring है यार, and it would be a joy to share it with people who do not know you behind the scenes. They know you as Vikrant the creator, but Vikrant the person is, in my opinion, a lot more interesting and of course a lot more adventurous. So please continue doing all that you are doing. Kabhi rukna mat. Bahut sare aur avtar aayenge, bahut sare aur opportunities aayengi. Apne aap ko dhalte rehna, apne aap ko innovate karte rehna. This is like lunch with Varigu. Awesome. Okay. Take care. All the best, Vikrant. Okay, aapke. Bye bye. Hi everyone. Please subscribe to my YouTube channel Crash Up, जहाँ पर मैं physics पढ़ाता हूँ 11th और 12th class के लिए. उनके links description में, वहाँ पे आप जाओ, आपको physics पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा. और मिलते हैं, कुछ अलग तरीके से physics पढ़ते हैं. I hope आप लोगों को विक्रांत के साथ मेरी conversation उतनी ही पसंद आई जितनी मुझे आई. जाहिर सी बात है कि उनकी लाइफ आसान नहीं रही है, बहुत फाइट मारी है, बहुत जस्तोजहद देखी है, लेकिन उसके बावजूद उनके चेहरे पे एक स्माइल थी परपेचुअली, एक एक्साइटमेंट था बच्चों जैसा कुछ नया करने का, कुछ अलग करने का, कुछ बड़ा करने का, जेन्युइनली एक जुनून दिख रहा था. एंड आई लव दैट, क्योंकि हम सब की जिंदगी एक तरीके से इन सब कहानियों से जुड़ी ही हुई है. हम सब की जिंदगी में उतनी ही फाइट है, उतनी ही रुकावटें हैं, उतनी ही मुश्किलें हैं, लेकिन हमारे अरमान उतने ही बड़े हैं. एंड आई होप कि विक्रांत की कहानी के थ्रू आपको वो इंस्पिरेशन मिली हो जो आप जिंदगी में चाहते थे. ये एक एक्सपेरिमेंट था, अगर ये एक्सपेरिमेंट काम किया तो प्लीज़ मुझे बताइए, अगर नहीं काम किया तब भी मुझे फीडबैक दीजिए ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊँ. मैं और सारे लोगों से बात करना चाहता हूँ, लोगों की जिंदगियाँ, उनकी कहानियाँ सुनना चाहता हूँ, ताकि उनकी जिंदगी, उनकी कहानी के थ्रू हम सबकी जिंदगियों में कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन आ पाए. दिस इज अंकुर वारिकु साइनिंग ऑफ. सब्सक्राइब करना ना भूलें. हर हफ्ते मैं पर्सनल फाइनेंस, स्टार्टअप और करियर एंड एजुकेशन पे वीडियोस बनाता हूं, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे आप नोटिफाइड होंगे जब भी एक नया वीडियो आएगा.